बिहार के नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ अवस्थित बिहार थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ला में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। खबर है कि पुलिस ने डीएसपी सदर डॉक्टर शिबली नुमानी के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए चार महिलाओं के साथ मकान मालिक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कई अन्य लोग 6 से अधिक दरवाजा होने के कारण भागने में सफल रहे। इस दौरान डीएसपी सदर डॉक्टर शिबली नुमानी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कागजी मोहल्ला स्थित डॉक्टर उमेश कुमार सिन्हा के घर में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। इसके बाद डॉक्टर के घर में छापेमारी की गई तो कई आपत्तिजनक सामान के साथ चार महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही मकान मालिक डॉक्टर उमेश कुमार सिन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी ने बताया कि इसी मकान में कुछ दिन पहले एक अपहृत बालक को रखने की काम किया था, जिसके बाद पुलिस ने बरामद किया गया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। आगे देखिए बिहार शरीफ से एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क की यह वीडियो रिपोर्ट। हम लोगों को सूचना मिली थी यहाँ कुछ गलत कार्य किए जा रहे हैं। तत्काल सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई है और उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने कार्रवाई किया है यहाँ, जिसमें चार युवतियों को अवैध देह व्यापार में जो शामिल थे यहाँ, उस तरह की कार्रवाई की जा रही थी, उनको रेस्क्यू किया गया है। और जो इसके मुख्य सरगना उमेश कुमार सिंह है, जिनका ये घर है, उनको हिरासत में लिया गया है और कुछ इस तरह के कारोबार से रिलेटेड कुछ तरह की बरामदगी हुई है। और जो इनका जो इतिहास हम लोग देख रहे हैं, पूर्व में भी इस घर में अपहरण को लाकर रखा गया था, उनको पुलिस के द्वारा मुक्त कराया गया था और इसमें जो भी शामिल है उसके संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो विधि सम्मत है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। मकान किसी भी चुके हैं? हाँ, जो एक्ट का जो प्रोविजन है उसके अंदर हम लोग कार्रवाई किए हैं, उसको सील किया गया उस परिसर को। और इसमें जो भी विधि में कुछ कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे, ताकि इस तरह की कार्रवाई और कहीं महिलाओं के साथ लड़की बरामद हुई नहीं। वो लोग जैसा हम लोगों को लग रहा है कि गुप्त सूचना उन लोगों को पहले से मिल गई थी, वो जो इसमें थे वो लोग फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन उनको हम लोग पहचान सत्यापित कर रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कुछ गलत कार्य यहाँ हो रहे हैं, इसी पे हम लोग यहाँ कार्रवाई किए हैं, जिसमें चार युवतियों को रेस्क्यू किया गया है और जो मेन सरगना है उमेश कुमार, उन्हीं का घर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो है मोटर ट्रैफिकिंग की कार्रवाई की जा रही थी, तत्काल उनको हिरासत में लिया गया है और जो युवतियां हैं उनको रेस्क्यू किया गया है और कुछ जो सस्पेक्टेड जो सामान है उनकी बरामदगी हुई है। सभी बिंदुओं पर हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं और इस तरह के जो भी कारोबार जो सूचना नालंदा पुलिस को जहां प्राप्त होती है उसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई कर उसके भंडा को हम लोग मकान सील किया गया। हाँ, मकान सील किया गया, जो एक्ट का जो विधिवत जो कार्रवाई है उसके अंदर ठोस कार्रवाई की गई है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिशा निर्देशन में हम लोगों के द्वारा इस अवैध तरह के जो भी कारोबार है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।